वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर क्रिश्चियन केज, हैंगमैन एडम पेज, बुलेट क्लब गोल्ड को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर मैच के अंदर आज यहां पर हुक के इंटरफेरेंस होती गए और वो क्रिश्चियन पर अटैक करने की कोशिश करते गए, बट मैच के एंडिंग के ऊपर किप सेबियन के मदद से क्रिश्चियन केज और हैंगमैन एडम पेज मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर विल ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर के बीच में हमें यहां पर कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ एक दूसरे को मॉक करने के बाद सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर ब्रायन केज और लांस आर्चर ऑस्प्रे पर अटैक करते गए, तो वहीं ऑस्प्रे की तरफ से मार्क डेविस और पावर हाउस हॉब्स यहां पर डॉन केलिस फैमिली पर अटैक करते गए और शो के ऊपर एक बड़ा ब्रॉल होता है, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आज यहां पर शो के ऊपर एक्शन में होते गए, जो यहां पर हमें लांस आर्चर को फेस करते हुए दिखाई देते गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच को जीतकर अब यहां पर AEW के फुल गियर पे पर व्यू पर MJF को फेस करने के लिए रेडी हो चुके गए, बट मैच के ओवर होने के बाद कोनोसुके तकेशिता रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर अटैक करते गए, तो हमें यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल अरीना में आकर तकेशिता पर अटैक करके रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को सेव करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर एडम कोल और तकेशिता का मैच होता है और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद शॉकिंगली मैच के एंडिंग के ऊपर तकेशिता MJF के डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करते गए और MJF के डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करके वो यहां पर कोल को बीट कर देते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद रिकोसेट आज यहां पर कोनोसुके तकेशिता पर अटैक करते हुए AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन को रन करते गए।